सो गाइस अनदर वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी की जिसने अपने 4G डिवाइस यानी कि 4G स्मार्टफोन काफ़ी लॉन्च किए हैं, लेकिन अब पहला 5G डिवाइस यानी कि 5G लॉन्च करने जा रही है ये कंपनी। ये होगा इन्फिनिक्स की तरफ से इन्फिनिक्स जीरो 5G डिवाइस यानी कि 5G स्मार्टफोन, और ये स्मार्टफोन बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है। इसके स्पेसिफिकेशन लीक हो चुके हैं, आगे जाकर के इसी वीडियो में बताने वाले हैं। सो गाइस वीडियो का अंत तक जरूर देखना इस फोन से रिलेटेड जानकारी के लिए। सो गाइस आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करेंगे, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सपोर्ट करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को लाइक कर देना। चलिए फ्रेंड्स फटाफट से कर लेते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले बात करेंगे फ़ोन के बिल्ड क्वालिटी की, तो प्लास्टिक का फ्रेम प्लास्टिक की ही बॉडी के साथ आने वाला है इन्फिनिक्स जीरो 5G डिवाइस। डिज़ाइन इसका सेम देखने को मिलेगा ओप्पो फाइंड X3 की तरह। अगर बात करें इसके डिस्प्ले की तो 6.7 इंच की फुल HD प्लस वाली यहाँ पर सुपर अमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी, और गेमिंग के लिए यहाँ पर स्मूथ 120 GHz का हाई रिफ्रेश रेट देखने को मिलने वाला है। 20:9 का एक्सपेक्ट रेशो और 387 PPI यानी कि पिक्सल डेंसिटी देखने को मिल जाएगी। 1018x2400 पिक्सल का रेजोल्यूशन HDR10+ की सर्टिफिकेशन के साथ आएगा ये स्मार्टफोन। तो डिस्प्ले आपको अच्छी मिलेगी, डिस्प्ले के मामले आपको कोई भी शिकायत देखने को नहीं मिलने वाली इस डिवाइस के अंदर। अब बात कर लेते हैं इस फोन के अंदर परफॉर्मेंस की, तो पहली बार आपको यहाँ पर MediaTek Dimensity 900 की चिपसेट देखने को मिलेगी जो कि 5G चिपसेट होने वाली है और 6nm प्रोसेस पर बनी भी होगी। पावर एफिशिएंट चिप होगी ये, और यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी, परफॉर्मेंस के मामले में आपको कोई शिकायत देखने को नहीं मिलने वाली। अगर बात करें इसके CPU की तो 8-core CPU देखने को मिलेगा 64-bit वाला, और यहाँ पर 2 core मिलेंगे आपको ARM Cortex A78 के। यहाँ पर 2.4 GHz की पीक क्लॉक स्पीड मिल जाएगी एंड 6 core मिलेंगे आपको ARM Cortex A55 के, और यहाँ पर 2.0 GHz की पीक क्लॉक स्पीड देखने को मिलने वाली है। तो ओवरऑल GPU भी आपको अच्छा मिलेगा, और गेमिंग को संभालने के लिए ARM Mali G68 MC4 ग्राफिक्स मिलेगी। गेमिंग एक्सपीरियंस भी आपको अच्छा मिलेगा क्योंकि यहाँ पर MediaTek हाइपर इंजन 3.0 वर्जन देखने को मिलने वाला है। गेमिंग के लिए टेक्नोलॉजी जो देखने को मिलने वाली है, तो गेमिंग प्लस परफॉर्मेंस आपको अच्छी मिलेगी, परफॉर्मेंस के मामले में आपको कोई शिकायत देखने को नहीं मिलने वाली। अगर बात करें मैन कैमरे की तो ट्रिपल एयर कैमरे का सेटअप मिलेगा, 48 MP का मैन कैमरा, प्लस दूसरा जो कैमरा होगा वो होगा टेलीफोटो, अभी तक पता नहीं है, और प्लस एंड थर्ड कैमरा जो होगा अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा डुअल LED फ्लैश के साथ, और 2 कैमरे अभी तक पता नहीं है कितने कितने मेगापिक्सल के देने वाली है इन्फिनिक्स कंपनी। अगर बात करें इसके सेल्फी कैमरे की तो पंच होल के साथ आपको 16 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आप फुल HD तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। अगर बात की जाए वेरियंट की, 2 वेरियंट आएंगे, 8GB 128GB एंड 8GB 256GB रैम टाइप में आपको LPDDR4X वर्जन, और स्टोरेज टाइप में आपको UFS 2.1 वर्जन देखने को मिलने वाला है। अगर बात करें इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की तो एंड्रॉइड वर्जन 11 के साथ ही आएगा ये स्मार्टफोन। और अगर बात की जाए बैटरी बैकअप की तो 5000 mAh की बैटरी प्लस 33W फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगी इनबॉक्स, और USB टाइप सी पोर्ट मिल जाएगा आपको चार्जिंग के लिए। अदर कनेक्टिविटी के लिए आपको ब्लूटूथ 5.2 वर्जन, वाईफाई 6 देखने को मिलने वाला है सारे इस डिवाइस के अंदर। सो गाइस अब बात कर लेते हैं इस फोन के अंदर सिक्योरिटी की, तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर फेस अनलॉक देखने को मिल जाएगा आपको सिक्योरिटी के तौर पर। अगर बात की जाए इस फोन के लॉन्चिंग डेट की तो ये स्मार्टफोन 20 जनवरी 2022 के अंदर ही लॉन्च होने वाला है इन्फिनिक्स की तरफ से। एंड प्राइसिंग की बात करें तो बेस वेरिएंट जो होगा 8GB 128GB, इसके प्राइस होंगे अराउंड 22,000 रुपीज। सो गाइज इस फोन से रिलेटेड अगर हमें और कोई अपडेट मिलती है तो हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के फिर हाजिर हो जाएंगे। इस वीडियो में आप इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय टाटा। एंड वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना, वीडियो अच्छी नहीं लगे तो डिसलाइक कर देना, चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। इसी के साथ थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद।